शेख, मेरा सवाल है दाढ़ी के मसले से। पहले मैं जॉब करता था एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। तब मुझे बियर्ड नहीं थी, तो मैं बियर्ड छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हुआ था मुकम्मल। तो बॉस बोल रहा ना कंपलसरी दाढ़ी ट्रिम करना है, यानी क्लीन शेव जरूरत नहीं है, मगर कम से कम ट्रिम तो करना है, आधी तो निकालना है, नहीं तो तुझे जॉब नहीं मिलेगी, बोल के कंडीशन रखा था। मैं बोला मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं बात करके बोलूंगा, बोल के बोला। मेरा दिल तो मुतमईन नहीं हो रहा। इसके बारे में कुरान और हदीस से मुझे दलील दीजिए, क्योंकि कई उलेमा भी कुछ ना कुछ रखे थे इसके बारे में, जी थोड़ा पूछना बोल के करा था शेख। दाढ़ी रखना हमारी शरीयत में वाजिब है। ये एक दीनी मसला है। बहुत सारे लोग जो लोग इसको कल्चर से जोड़ते हैं कि ये कल्चर है, ये कल्चर नहीं है, ये दीन है। दाढ़ी रखना ये कल्चर का हिस्सा नहीं है। कल्चर तो बदलता रहता है। किसी मुल्क में कोई कल्चर होता है, किसी दूसरे सोसाइटी में कोई कल्चर होता है। तो ये कल्चर नहीं है, बल्कि ये दीन का हिस्सा है और दाढ़ी रखना वाजिब है। अब इसमें इख्तलाफ है उलमा के दरमियान कि क्या मुकम्मल तौर से छोड़ देना वाजिब है, उसमें कुछ भी नहीं काट सकते, या कुछ जी गुंजाइश है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो कभी भी काटना साबित नहीं है, लेकिन बाज़ सहाबे किराम से दाढ़ी काटना साबित है। जैसा जैसे अब्दुल्लाह इब्ने उमर है, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है, लेकिन वो कितनी काटते थे? एक जी मुश्त से जो जायद है उतना काटते थे वो। तो एक मुश्त से जो जायद हिस्सा है उसको काटने की इजाजत है, लेकिन एक मुश्त जी से कम रखना इसकी इजाजत नहीं है। उसके ऊपर आप नहीं काट सकते, उतना रखना कम से कम वाजिब है। हालांकि बाज़ उलमा ने इसकी भी इजाजत नहीं दी, उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर से छोड़ना वाजिब है, क्योंकि दाढ़ी रखने के सिलसिले में जितने भी अल्फाज आए हैं, 5 तरह के अल्फाज हैं, सबका माना यही होता है कि दाढ़ी को छोड़ो। लेकिन अब वही छोड़ने के मसले में ये इख्तलाफ है कि कितना छोड़ना है, लेकिन राजे कौल के मुताबिक दाढ़ी को कम से कम एक मुश्त तक छोड़ना है, उससे आगे जो है उसको काट सकते हैं। तो आप जहां पे भी नौकरी करते हैं, आप वहां पे बताइए कि भाई मेरे काम का मेरी दाढ़ी से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं जी दाढ़ी रख करके भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, और ये हमारे दीन का हिस्सा है। तो आप क्यों ये चाहते हैं मुझसे कि मैं अपना दीन छोड़ करके फिर आपके यहां काम करूं? मैं दाढ़ी रख करके भी अच्छा काम कर सकता हूं। तो अगर आप दाढ़ी जी एक मुश्त से जो जायद है उसको काटते हैं तो जायज है, और अगर आप मुकम्मल रखते हैं तब तो कोई मसला ही नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है।